गया। अच्छा जूजू, आप आज स्वीटीपा को प्रपोज करोगे? अरे बाप रे, इन सब चक्करों में तो मैं भूल ही गया कि बेबी का किसका मैसेज है। ये लो, प्रिया का मैसेज आ गया। क्या हुआ प्रिया को? देखो मैं। हाँ, एक्सक्यूज मी, सॉरी पर्सनल। स्वीटीपा, मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं आ पाऊंगी, सॉरी। चलो अच्छा हुआ। नहीं जूजू, मुझे ना बहुत जोरों की भूख लगी है। मैं काम करती हूँ ना, घर पे जाके मजेदार खाना बनाती हूँ। ओके, मैं चलती हूँ, यू फॉलो मी। बाय बाय बाय। यार इसको क्या फॉलो करूँ मैं? ये भी कुछ भी, मैं निकलता हूँ, तू चला मेरे साथ। ओह लगे रहे। धन्य हो भगवान कि आपने जीनी की लव स्टोरी में उसकी हेल्प की, वरना ये वेला जिंदगी भर आपके मंत्र की सीढ़ियां नहीं चढ़ता। मीलू, मैं तुमसे एक बात कहूं? कहो ना, प्यार है। मेरा मतलब है, ट्राई तो करो। मीलू, वैसे तुम कैसे भी हो, पर इंसान बहुत अच्छे हो। तो इसका मतलब मैं ये समझूं कि तुम मुझसे दोस्ती करना चाहती हो? सिर्फ दोस्ती? बाय वेलू। बाय। आई अंडरस्टैंड। दोस्ती? हाँ, अरे दोस्ती तो प्यार की पहली सीढ़ी होती है, और मैं ये सीढ़ी चढ़ के रहूंगा। मुबारक हो। मुबारक? हाँ, तुम्हारी PhD थीसिस की वजह से तुम स्टूडेंट ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट हुई हो। सच? हाँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक टेस्ट पास करना होगा जो 2 दिन बाद है, इसलिए फटाफट अपना बोरिया बिस्तर बांध लो और पहुंच जाओ जिनलैंड। विक्की, जीनू, विक्की। हे भगवान, अब क्या कर दिया इसने? क्या हुआ दीदू? कौन आ गया यार? तू? हाँ मैं भाई। अरे कभी तो मुस्कुरा के वेलकम कर लिया कर। हैं? सरहर सांदो सी। हाय जिया, हाउ आर यू? हाय वेलू, अच्छा हो तुम आ गए। इसका मतलब जिया को मेरा इंतजार था? बता ना दीदू, क्या बात है? ओह गॉड, कहीं जिया सबके सामने ये तो नहीं कहने वाली है कि उसे मुझसे प्यार हो गया? ओ जीनू, मैं इतनी खुश हूँ। तुझे पता है जो PhD की मेरी पढ़ाई है ना, उसमें मैंने टॉप किया है, और इसलिए स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए मैं नॉमिनेट हुई हूँ। अरे वाह दीदू, तुसी तो छा गए, सबको खा गए। पर जीनू, मुझे ना कुछ टेस्ट पास करने होंगे, उसके लिए मुझे वापस जिनलैंड जाना होगा कुछ दिनों के लिए। मतलब लंबी जुदाई? फिर तो अच्छी बात है ना दीदू, आप वहाँ पे जाइए, आराम से अपना टेस्ट दीजिए, और मुझे पूरा यकीन है कि अवार्ड आप ही को मिलेगा, और जब आप लौटेंगे ना, तब आप ज्यादा पावरफुल रहोगी, है ना दीदू? हाँ, इसके बाद और झेलना पड़ेगा इन्हें। Yeah, I'm so happy for her. जा, मैं तुमसे बात नहीं करता जिया। तुमने जिनलैंड जाने का प्रोग्राम बना लिया, और मुझसे सलाह तक नहीं की। हाँ? सलाह भी नहीं ली मतलब? तुम्हें पता है, तुम चली जाओगी तो मैं तुम्हें कितना मिस करने वाला हूँ। हो वेलू, मेरे पास ना तुम्हारे लिए कोई इलाज नहीं है। अच्छा एक मिनट रुको, ये लो वेलू, जब भी तुम्हें मेरी याद आएगी ना, तुम इस बुक को पढ़ना, फिर तुम्हें लगेगा मैं तुम्हारे पास ही हूँ। थैंक यू जिया, और हाँ मुझे मिस करना, और जल्दी वापस आ जाना मेरी खातिर। ओके वेलू। अच्छा अब मुझे बहुत लेट हो रहा है, मुझे जाना है। ओके बाय एवरीबॉडी, बाय जीनू, बाय बाय। क्या तुम सबके सामने यू? अच्छा चलो, अगर तुम इतनी इज्जत कर रही हो तो।
कर रहे हो? It's not funny, okay? और ये तुम हवा में क्या तैर रही हो मिस हवा हवाई? नीचे आओ। जूजू, आपको पता नहीं है हवा में तैरते हुए और भी बेटर पढ़ाई होती है। Ooh, studious. मिस हवा हवाई, मुझे लगता है आपने सुना नहीं, डोर बेल बजी। जूजू, आपको पता है हवा में तैरते हुए दरवाजा भी बहुत अच्छे से खुलता है, मैं चाके खोलूं? नहीं, आप कृपया करके यहाँ से प्रस्थान कीजिए, हम दरवाजा खोलते हैं। सड़ू सैंडविच तो गई। हेलो हेलो, क्या हेलो? सुबह हुई नहीं कि वो उठा के चले आ जाते? आज्ञा। लगता है कोई काम धंधा नहीं है आपके पास? ये कैसे सवाल हुए? आज तक हमने आपसे पूछा कि आप क्या काम काज करते हैं, इनफैक्ट कुछ करते भी हैं या नहीं करते हैं? अरे हमने तो आज तक तुमको हवाई जहाज उड़ाते नहीं देखा, एयरपोर्ट पे करते क्या है, बस चलाते हैं। लगा दिल में लगा ना उसी तरह, अरे आप क्या जाने कि हम क्या काम कर रहा है, कि तो एक दिन आप ही नहीं पूरा दुनिया देखेगा हम क्या काम कर रहे हैं। जब बन जाओगे ना तो उस वक्त आना, फिलहाल मैं बहुत बिजी हो जाइए। लो, शुरू हो गई महाभारत। अरे डेट आप भी हूँ, जाने का नाम ही नहीं लेते आप। अरे क्यों जाएंगे, ऐसा बात क्यों कर रहा है? आप नहीं जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे। पूरा बात बोले बिना हम नहीं जाएंगे भाई। ठीक है, आप खड़े रहिए, पूरा बात बोलिए, मैं जा रहा हूँ। माने अरे सुनो ना मायरे, अरे बेक्की बाबा उधर गए। अच्छा, एए, एए, हमारा बात तो सुनो। नहीं सुनने गए? पट पट पट। जिनी, ओ जिनी, अरे का नहीं नहीं वापस आने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। सुनो, तुम जहाँ कहीं भी हो ना, इसी तरह हवा में तैरते तैरते पढ़ाई करती रहो, समझे ना? मैं चला ऑफिस, और सुनो, मैं ऑफिस जाके सबको बोलूंगा कि तुम और तुम्हारी बहन जिया दोनों अपने घर जा चुकी है, हाँ? इसीलिए कृपया करके मटकती हुई ऑफिस मत चली आना, हाँ? रूड बिहेवियर, एक तो हम अच्छा पड़ोसी कहलाते, बताने को आया बिक्के बाबू को कि हमको शक है कि उसका घर में। बाय बाय। हाँ हाँ, बाय बाय जूजू। या बाय बाय। या बाय। उड़ गया बाबा, ये तो शक नहीं है, ये तो यकीन के साथ कह सकता है कि ये भूत प्रेत की बिक्के बाबू के घर में वापिस आ गए हैं। हाँ, चलो अब थोड़ी देर पढ़ाई करती हूँ। क्यों रहा है? क्या जीनी, पढ़े जा रही है, रट्टा मारे जा रही है, प्रैक्टिस नहीं करेगी तो सीखेगी कैसे? चलो गुड आइडिया, अब मैं प्रैक्टिस करती हूँ। कौन से मंत्र की? हाँ, मित्रता मंत्रम। किस पे ट्राई करूँ? ठीक अच्छे, भूत प्रेत की यू आर प्लेइंग गेम्स विद मी। तुम जानते नहीं हमारा नाम चतुर गंगुली अच्छे, अंदर आके तुमको पकड़ेगा मायने। हाँ, जूजू और चौतो जी लड़ते रहते तो उन पे ट्राई करती। आगे दोनों मित्रता मंत्रम, दोनों को बना दे मित्रम, आपस में नहीं भिड़ेंगे, एक दूसरे से नहीं चिढ़ेंगे, मित्रता मंत्रम, दोनों को बना दे मित्रम। अगेन, व्हाट इज दिस?
गया काम। क्या कर रहा हूं मैं? What is this? ये मैं अचानक मीडियम साइज से एक्स्ट्रा लार्ज कैसे हो गया? ओह, ये जीनी भी ना एक से एक तर पकवान बनाकर खिलाती और मैं खाता चला जा रहा हूँ। व्हाट इज दिस कंट्रोल यार। तुमने इधर केले का छिलका फेंका ताकि हम फिसल जाएं। बेचारा बच्ची बाबू, तुम घबरा मत, हम पकड़ेगा उसको, हम पकड़ेगा भूत लड़की। अब दुनिया देखेगी जीनी का कमाल, क्योंकि आज से जब भी जूजू और चौथो जी मिलेंगे तब दोस्त की तरह मिलेंगे। मान गई दीदू आपके बुक्स को, और पढ़ जीनिया और पढ़, ताकि दीदू को अपनी जीनी पे नाज हो। आज के लिए ना 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 ना। तुम कर तू इधर, हम नहीं आएगा तो इधर क्या रणबीर कपूर आएगा? मायरी पूरी बाबा, ये तो चौतूर की तरह बात कर रहा है, कितना क्यूट लगता है। ऐ, तुम इधर सुबह सुबह आया, कुछ खाया? ऐ, हम तुम्हारे लिए ना अच्छा नाश्ता बनाता है। तुम क्या, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? पूरी बाबा, आज पहली बार तुमने हमको इतना इज्जत दिया, इतना प्रेम से बात किया। ओ माँ, हम तो हमेशा तुमसे ऐसे प्रेम से ही बात करता है। ऐ सुनो ना, तुम ऐसा बोल रहे ना, बहुत क्यूट लग रहा है। क्यूट। गुड मॉर्निंग दुर्गा मौसी। आगे। गुरुजी आप? ये प्रातः काल यहाँ? मतलब सुबह सवेरे यहाँ? What do you do? ओए बाबा, हम बहुत खुश हुआ। हम भीषण खुश हुआ। आखिर राहुल बाबा ने मान ही लिया कि हम गुरु घंटाल है, वरना जब भी मुंह खोलता है तो हमको गोलगप्पा ही बोलते भाईरी। What do you say, गुरुजी? Not at all, हम आपको गोलगप्पा कैसे बोल सकते हैं? वैसे गुरुजी, हमें पता नहीं था कि आप इतने अच्छे मिमिक्री आर्टिस्ट भी हैं। क्योंकि हम न देखते हैं दाएं, न देखते हैं बाएं, एज बिकाज हम है देसी बाय। चलिए गुरुजी, आप ही चलते चलो। राहुल क्या करता है? अभी अभी आया, नाश्ता भी नहीं खाया, तुम इनको ऑफिस लेकर जा रहे हो? अब बहुत ही बीस्ट है। दुग्गा, हम तुम्हारे लिए आज ऑफिस नहीं जाएगा। चोटी, चोटी। इससे पहले कि हम देसी बाय से कंफ्यूज बाय बन जाए, हम अकेले ही ऑफिस के लिए प्रस्थान करते हैं। गुरुजी, यू ईट ब्रेकफास्ट, मी गो। ऐ, क्या खाएगा? कुछ भी दुक्का। लीची आदि दो। चुटकी। Thank you.
एक्सक्यूज मी, व्हाट इज दिस? कोई मैनर्स वैनर्स है भी या सब भूल गए हैं? अगर कोई सीनियर पास कर रहा हो तो कम से कम उसे गुड मॉर्निंग तो पिच करना चाहिए। व्हाट इज दिस? गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या बात है, आपने भी हमारी यूनिफॉर्म पहन ली? पर एक्चुअली ये यूनिफॉर्म आपको मिली कहाँ से? मिली कहाँ से? सर ये यूनिफॉर्म मेरी ही है। हाँ, तो आप ये कहना चाहते हैं कि ये पायलट की यूनिफॉर्म आपकी है? जी हाँ, क्योंकि मैं पायलट ही हूँ। ओहो, तब तो आप ये भी कहेंगे कि आपको फ्लाइट उड़ाना भी आता है? ऑफ कोर्स सर, इनफैक्ट इसी विषय में मैं आपसे आज बात करने आया हूँ सर। क्या है कि मुझे लगता है कि मैं इस ऑफिस में कुछ ज्यादा ही टाइम वेस्ट कर रहा हूँ और मेरा वेस्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जबकि मुझे आसमान में हवाई जहाज चलाते हुए अपना टाइम बिताना चाहिए, राइट? हाँ, एब्सोल्युटली राइट, आई टोटली एग्री विद यू। मुझे भी ये पर्सनली लगता है कि आप आजकल इस ऑफिस में कुछ ज्यादा ही वक्त बिता रहे हैं और वो भी बगैर किसी काम के। एक्सक्यूज मी, लगता है डॉक्टर की पीली गोली काम नहीं कर रही है। बॉस का मूड आज फिर खराब है, तभी अपने सबसे अच्छे पायलट को ऐसा ताना। ना ना, आप फिक्र मत कीजिए बॉस, आज मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा जिससे आप खुश हो जाएंगे। चपरे जी सर। कम हियर। क्या ऐसे क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं सर। अच्छा लिसन, आज मुझे बहुत जरूरी काम करना है, इसलिए हंसी मजाक बिल्कुल नहीं। और खासकर अगर वो चतुर गांगुली इस ऑफिस में आए तो उन्हें मेरे कैबिन में बिल्कुल मत भेजना। बहुत पका हुआ आदमी है। चतुर जी बहुत पका हुआ आदमी है? बहुत बहुत। अगर वो आए तो उन्हें आपके कैबिन में नहीं भेजू? बिल्कुल नहीं भेजना, मेरे कैबिन में तो बिल्कुल नहीं। गो गेट मी माय कॉफी। जी। दीदू की याद आ रही है। जीनिया इसमें सोच क्या रही है, फोन करना अपनी दीदू को। जीनू, कैसी है मेरी दीदू? जीनू मैं तो बहुत थक गई हूँ, पता है बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। अच्छा ये सब छोड़, ये बता कि मेरा राहुल कैसा है? मुझे मिस करता है? बहुत। चल झूठी। चीनू मुझे तुम लोगों की बहुत याद आती है, और पता है यह कंपटीशन में एक जीनी है जो बहुत ही ज्यादा खड़ूस है और पढ़ाकू भी। अच्छा तो आप क्यों फिक्र कर रहे हो दीदू, आप आराम से अपनी टेस्ट पे कंसंट्रेट करो, टेस्ट पास कर दो, उसे मैं देख लूंगी। आपको तो पता है कि मैंने जादू में कितना कुछ सीख लिया है, PhD कर रही हूँ, अपने जादू से ना उसे कद्दू बना दूंगी, कद्दू। ठीक है, पर पहले एक कद्दू वाला फॉर्मूला ना तो अपने जूजू पे आजमा ले, ठीक है? जूजू और चौतुर बाबू पे तो मैंने मित्रता मंत्रम की प्रैक्टिस की है, अब देखना दोनों एक दूसरे को समझेंगे भी और दोस्त भी बनेंगे। अरे जीनू पर वो तो बहुत ही मुश्किल मंत्र है, तूने इतनी जल्दी कैसे सीख लिया? हाँ। जीनू अगर इस मंत्र में कुछ भी गड़बड़ हो गई ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.